मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर हिंदुत्व की राजनीति अब तक भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब इस राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम बीजेपी आयोजित करेगी और ये कार्यक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किए जाएंगे। बड़े लेवल पर जो है अगर बात करी जाए तो बदलाव होने जा रहे हैं, और पीएम मोदी बीते कुछ समय पहले कहते हुए नजर आए थे कि मुस्लिम समाज का जो तबका नाराज है उसके बीच जाया जाएगा और आखिर ये जानने की कोशिश की जाएगी ये नाराज बीजेपी से है क्यों। और भी अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से पसमांदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी एक बड़ा दौरा करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को रिझाने के लिए अब सूफी रास्ता अपनाया जाएगा। सूफीवाद एक रहस्यवादी इस्लामी सोच है जिसमें मुसलमान ईश्वरीय स्नेह की सच्चाई को खोजने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से राज्य के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुख्य रूप से सूफी सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा है। एक अनुमान के मुताबिक आपको बता दें कि राज्य के 1.6 लाख से अधिक मतदान केंद्रों में लगभग 30,000 से भी ज्यादा मुसलमान हैं और इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा है, यानी कि हर बूथ पर लगभग 30,000 मुसलमान हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। ये कौमी चौपाल ग्राम चौपाल के समान होगी जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पहले ही शुरू की गई थी, और यहाँ पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़ने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा आयोजित की गई थी। और आपको ये भी बताते चले, यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के प्रमुख कुंवर बासित अली ने यह कहा कि पार्टी समाज के सभी वर्गों तक अपनी पहुंच बना रही है। उन्होंने कहा कि सूफीवाद के फॉलोअर्स पार्टी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और आने वाले दिनों में हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ रहा और MY फैक्टर के बूते ही 111 विधानसभा सीटों तक समाजवादी पार्टी पहुंच पाई थी, लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं ये जानती है कि वोटर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी चाल बदलता रहता है, और ऐसा कुछ तबका है जो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दिया था और ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं उस तबके को अपनी तरफ खींचने के लिए ये बयानबाजी हुई थी। तो पिछड़ी जातियों को लेकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी चल रही है, लगातार सियासत चल रही है, और इसी बीच जो है वो बीजेपी ने एक और मास्टर कार्ड खेल दिया है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि 2024 में राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो होने वाला है, यानी कि हिंदू समाज जो है, हिंदू वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ जाता दिखेगा। अगर मुस्लिम वोट बैंक भी उनके साथ आता है तो चुनाव में न सिर्फ जीत हासिल होगी बल्कि बड़ी जीत हासिल होगी। और विपक्ष को लेकर भाजपा की नीति हमेशा यही रहती है कि जब तक विपक्ष का सूपड़ा साफ नहीं होगा तब तक वो अपनी राजनीति को राजनीति नहीं मानती, यानी कि एक बड़ी जीत हासिल होगी ये कहना लाजमी है। तो इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर बीजेपी यहां पर एक बड़ा मास्टर प्लान मास्टर कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर पाएगी, या फिर अखिलेश यादव जिस तरीके से चुनाव से पहले या फिर हाल फिलहाल में भी दांव पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी ये जो तरकीबें हैं ये काम आएंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। नमस्कार।